हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग इसे उपमा भी बोल सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका टेस्ट आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चम्मच तेल जो था वो डाल लिया था, मतलब रिफाइंड ऑयल डाल सकते हो या फिर घी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली थी और ये बारीक वाली सूजी थी फ्रेंड्स, ये मैंने डाल दी है। और डालने के बाद इसको हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। कलर हम इसका चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हल्की सी खुशबू आने तक इसे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं इसको चला करके भून लेंगी और लो फ्लेम पर आपको इसे भूनना है। हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो इसका कलर जो है बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा और इसमें से जलने की स्मेल आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूजी अच्छे से भुन चुके, आप देख सकते हो कि कितनी एक फूली फूली सी, मतलब एकदम खिली खिली लग रही है। अभी ये सूजी को मैंने साइड में निकाल के रख दिया था। अब फिर से मैंने एक चम्मच के करीब यहाँ पे ऑयल लिया था और यहाँ पे मैंने मूंगफली के जो दाने थे फ्रेंड्स वो डाल दिए थे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कच्ची मूँगफली थी इसलिए मुझे इसे भूनना पड़ा। अगर आपके पास वैसी जो पकी हुई मूँगफली होती है, नहीं भुनी हुई, उसे आप हल्का सा रोस्ट करके निकाल सकते हो। और फ्रेंड्स, काजू 2 से 3 ही थे क्योंकि ख़त्म हो गए, तो वही मैंने यहाँ पे डाल लिए थे। आप चाहें तो इसमें जो काजू है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूँगफली को निकाल लिया था। अब दोबारा से मैंने थोड़ा ऑयल डाल लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें तड़का लगाएंगे जो सरसों होती है काली वाली, आप चाहें तो उसमें राई भी डाल सकते हैं। इसी से इसका स्वाद जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें सरसों डाल देंगे, जब सरसों अच्छे से चटकने लगे। अभी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, यानी कि 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। जब जीरा यहाँ पे ब्राउन हो जाएगा, यानी कि अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैंने 5 से 6 करी पत्ता लिया है। अगर आपके पास करी पत्ते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत चटकते हैं फ्रेंड्स ये जो करी पत्ता होते हैं, इनके चटकने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज डालने के बाद फ्रेंड्स, इसका कलर हमें मतलब हल्का लाइट ब्राउन कर लेना है, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो अच्छे से यहाँ पे निकल जाए। तो यहाँ पे प्याज को भूनने के बाद हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक लिया था। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखिए 1/2 टीस्पून यहाँ पर लिया था हल्दी पाउडर, क्योंकि घर का हल्दी पाउडर बहुत अच्छा कलर इससे आता है फ्रेंड्स। आप चाहें तो 1 टीस्पून भर सके डाल सकते हैं अगर आपका हल्दी का कलर अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर 1/2 टीस्पून हमने डाला था ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून डाला था धनिया पाउडर, और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो पूरी लाल मिर्च से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी। आप चाहें तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मसालों को मिला लेंगे, ताकि जो मसाले हैं फ्रेंड्स वो अच्छे से भुन जाए, उनके कच्चेपन की जो स्मेल है वो चली जाए। अब यहाँ पर कटी हुई सब्जियाँ मैंने ली थी, तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे। उसके बाद थोड़े से मटर के दाने डाल देंगे और अच्छे से फ्रेंड्स हमें इन सारी चीज़ों को मिलाना है। और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया यहाँ पर मैंने डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर पानी लेना है। तो 1 कप सूजी के लिए हम 3 कप पानी लेंगे। तो यहाँ पर सब्जियों को पकाने के बाद मैं यहाँ पे 3 कप पानी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अच्छे से पानी को बनने के लिए छोड़ दिया था, ताकि सब्जियाँ कच्ची ना रहे, अच्छे से पक जाएं। तो जब सब्जियाँ जो है थोड़ी पक गई थी, उस टाइम पे मैंने इसमें जो सूजी थी वो डाल दी है। लो फ्लेम पे अच्छे से इसको पकाएंगे, ताकि सूजी अच्छे से सारे जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाए और सूजी भी अच्छे से पक जाए। तो इसी तरीके से इसको मैश करते हुए एकदम से गुठलियाँ बनेंगी। और वैसे भी फ्रेंड्स, जैसे जैसे चलाएँगे इसकी गुठलियाँ मैश होती जाएंगी, और थोड़ा थोड़ा आपको मैश करते भी जाना है। तो इस तरीके से करके हम अपनी सूजी जो है फ्रेंड्स उसे अच्छे से मिला लेंगे और अपने जो उपमा है और जो हमारा यानी नाश्ता है उसे अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हो कितना थिक हो गया है, सूजी पानी को ऑब्जर्व कर रही है। और देखिए थोड़ी देर में ही बनके रेडी हो जाता है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जो घी था फ्रेंड देसी घी वो डाल दिया है। ये ऑप्शन आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब जो मूँगफली मैंने ली थी भून के वो डाल दी है। अच्छे से चला के सारी मूँगफली को इसमें मिक्स कर लेंगे और हमारा जो फ्रेंड्स ये नाश्ता है वो बन के रेडी हो चुका है। आप लोग एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
वो फ्रेंड्स परोसने के लिए अगर आप बाहर किसी को दे रहे हैं या घर में कोई आया है तो थोड़ा सा ऑयल लगा के कटोरी में उसके बाद ये वाले जो नाश्ता है वो आपको रखना है और उसके बाद ऐसे पलट के आप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।